हेलो दोस्तों, इस हफ्ते मूवी रिलीज हुई है जग्गा जासूस। मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल वी दुबे आज आपको बताऊंगा ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी, इस मूवी का लाइफ टाइम बिजनेस कितना होगा, क्रिटिक्स और पब्लिक की राय इस मूवी के बारे में क्या होगी। जग्गा जासूस को सारे क्रिटिक्स का मिक्स प्यार मिलेगा, कोई अच्छा कोई बुरा बोल सकता है, बट इसकी एवरेज रेटिंग 2.5 ज़रूर आनी चाहिए। जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, जिन लोगों को कुछ नया देखने की आदत होती है उनको ये मूवी पसंद आ सकती है। रणबीर और कैटरीना के फैन इंजॉय कर सकते हैं, बाकी सारे लोग निराश होंगे। इस फिल्म को बनने में 4 साल लग गए, उसके बावजूद इस फिल्म की फ्रेशनेस कहीं से ख़त्म नज़र नहीं आती है। रणबीर और कैटरीना की केमिस्ट्री जोरदार लगती है, दो गाने बहुत अच्छे हैं। इतना सबके बावजूद फिल्म में मज़ा नहीं आती है। फिल्म की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पब्लिक बोर होने लगती है। बच्चों को थोड़ा मज़ा आता है तो पेरेंट्स बोर हो जाते हैं। जब आपकी मूवी एक अलग जोन की होती है तो सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, आपकी कनेक्टिविटी बड़ी कम हो जाती है, और जब कनेक्टिविटी कम हो जाती है तो आपका फुटफॉल्स कम होता है, और फुटफॉल्स कम होता है तो आपका लाइफ टाइम बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। इस मूवी को इन इंडिया 1100 थिएटर में रिलीज किया गया है, मतलब 1100, और इसकी स्क्रीन साइज है 1800 प्लस, मतलब 1800। इसमें से मेजर स्क्रीन जो है वो सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे और बंगलोर में है, क्योंकि इसकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ मेट्रो सिटीज को लेकर बनाई गई है। इस मूवी को इन इंडिया 35-40 लाख लोग देखने का मूड बना सकते हैं, उनमें से 38,50,000 लोग थिएटर के अंदर जरूर जाने चाहिए, जो कि इस मूवी का फुटफॉल होगा। इस मूवी को बनाने में 60 करोड़ का खर्चा किया गया है और इसकी PNA के ऊपर 15 करोड़ का खर्चा किया गया, मतलब इस मूवी की मेकिंग हो जाती है 75 करोड़। इसमें रणबीर कपूर और अनुराग बासु की फीस इंक्लूड नहीं है। इस मूवी का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 48.20 करोड़, मतलब यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होगी। अगर आपको किसी भी मूवी का डेमन लाइफ टाइम बिजनेस जानना है तो सिंपल सर्च करिए बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट / मूवी का नाम एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड टाइम्स राइट नाउ। थैंक यू।